बचाना है स्लो हाँ। तो गाइस अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस इस तरह का एडिटिंग करने के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए उसका लिंक आप सभी को जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। और अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है, तो क्या मैसेज भेजना है वहां पे लिखा होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप सभी को जो है डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पे जो भी प्रोजेक्ट फाइल उसे अलर्ट में सेव करना है, इंपोर्ट कर लेना है यानी कि शेयर कर लेना है। फिर यहां पे अलर्ट में एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर यहां पे चले जाना प्रोजेक्ट सेक्शन पे और यहां पे जो सॉन्ग बीट मार्क है इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आपको लेयर मिलेगा, यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे कलर एंड फील पे जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जिस फोल्डर में आपका फोटो है उस फोल्डर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट भी आपको एक लेयर देखने को मिलेगा, इसी तरह से यहाँ पे भी ऐड करना है, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ तो आप ऐड कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे लेयर है यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो फोटो ऐड करना है इसी तरह से। और फिर जैसे यहाँ पे सारे फोटो आप ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे जो HDR इफेक्ट है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इन चारों लेयर को कॉपी करना है, तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग प्रेस करना है और फिर बाकी तीनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे टोटल चार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी फोर लेयर कर लेना है। फिर जो इस प्रोजेक्ट से जाके मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट की तरफ चले जाना है और यहाँ पे आपको आ जाना है 3.20 मिलीसेकंड यहाँ पे पहुँच जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है पेस्ट फोर लेयर कर देना है जिससे एक HDR से लुक आ जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इन चारों को फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद एकदम लास्ट में चले जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना जिससे ये लास्ट तक आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है बन चुका है, तो यहाँ पे आपको जो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जो म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, ऑडियो सेक्शन पे जाना है और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड जो म्यूजिक है उसे इस तरह प्लस बटन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो म्यूजिक के लिंक आपको जो है मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना और फिर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना और फिर आपका वीडियो जो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद का तो ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम होती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।